एवरीवन, आज हम करेंगे इंग्लिश चैप्टर 3, टू चिल्ड्रन, यानी दो बच्चे। टू चिल्ड्रन, 1 4 and 1 5, यानी दो बच्चे थे, एक 4 साल का था और एक 5 साल का था। वन सो ए बी गो इनटू ए हाइव, बी यानी मधुमक्खी और हाइव यानी मधुमक्खी का घर, जहाँ पर मधुमक्खी रहती है उसको बोलते हैं हाइव। दे नेवर सीन ए बी बिफोर, यानी उसने कभी पहले मधुमक्खी को नहीं देखा था। सो वेटेड देयर टू सी सम मोर, यानी वो वेट कर रहे थे कि उसको और ज़्यादा कुछ देखने को मिले। एंड श्योर इनफ अलोंग दे कम, और उसको पक्का यकीन था कि वहाँ पर एक से ज़्यादा मधुमक्खी होगी। अ डजन बीट्स एंड ऑल द सेम, यानी डजन यानी 12, तो वहाँ पर डजन बीट्स और 12 मधुमक्खी थी और वो सब एक समान थी, एक जैसी थी। विद इन द हाइव देयर बर्ड्स अबाउट, बर्ड्स यानी वो गुनगुनाना, मधुमक्खी जैसे गुनगुनाती है जैसे पूरे थी, तो वहाँ पर वो हाइव के अंदर ऐसे गुनगुना रही थी। देन वन बाय वन दे ऑल फ्लू आउट, यानी थोड़ी देर के बाद एक के बाद वो सभी उड़ गए। सेड फोर दोज बीट्स आर सिली थिंग्स, यानी फोर ने बोला कि ये मधुमक्खी सब सिली यानी फुलिश मूर्ख है, क्योंकि वो पूरे दिन ऐसे गुनगुनाती है और पूरे दिन उड़ती है और वापस से उसके घर हाइव पे आती है। बट हाउ आई विश आई हैड देयर विंग्स, पर उसने बोला कि मेरी एक इच्छा है कि मेरे भी विंग्स यानी उसकी तरह पंख हो। सो ये था हमारा चैप्टर 3, टू चिल्ड्रन। थैंक यू।